और दुनिया की सबसे बड़ी जेल में लाखों कश्मीरियों को बेपनाह अजियतें और सऊबतें झेलने का 133वां रोज। आलमी सतह पर अमन के दावेदारों की खामोशी के बायस मजलूम कश्मीरी अपनी ही सरजमीन पर महसूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की जानिब से कर्फ्यू पांचवें माह भी जारी है। काबिज फोर्सेज ने मकबूजा वादी को छावनी बना रखा है। वादी में 133 रोज से स्कूल, कॉलेजेस, दफातर और तजारती मराकज भी बंद हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी ताहाल मुअत्तल है। वादी में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जबकि बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब है। ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है। उधर बर्फबारी ने कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शदीद सर्दी में कश्मीरी बूढ़े और बच्चे बीमार पड़े हैं, लेकिन इलाज मुआवजे की तमाम राहें मसदूद हैं और 80 लाख कश्मीरी भारतीय जबर से निजात के लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हम अपनी मर्जी से सांस लेंगे, गरम की तुम तकदीर लिखो, सबसे पहले कश्मीर। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली उरूज पर है और काबिज फोर्सेज घर घर छापे मार कर बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रही है। और 5 अगस्त से जारी कर्फ्यू और पाबंदियों के दौरान भारतीय फौज खवातीन समेत 38 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है, जबकि 1989 से अब तक भारत की काबिज फौज ने 95,471 कश्मीरियों को शहीद किया और 7,135 कश्मीरियों को दौरान हिरासत शहीद किया गया।